हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल उत्तराखंड बर्ड्स रुद्रपुर में। तो कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे और आपके बर्ड्स भी सब ठीक ठाक होंगे। तो आज आए हम विपुल भाई के घर पे, और विपुल भाई से मुझे एक कॉकटेल लेना है, और वो मुझे ऐसी दे रहे हैं, मतलब मेरे पास एक फ़ीमेल पड़ी है, नॉर्मल कॉकटेल की क्रीम कलर में फ़ीमेल पड़ी है। तो मैंने सोचा एक मेल ले लेता हूँ, दो मेल पड़े हैं एक्स्ट्रा में विपुल भाई के पास। तो एक पेयर तो मुझे पहले दे रखा उन्होंने, एक फ़ीमेल कहीं से परचेज करके लाया था मैं, वो भी आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा। और विपुल भाई के घर पे आया हूँ मैं आज। तो विपुल भाई की एक कलोनी है बजीस पैरेट की, जो मिनी कलोनी थी पहले जिसमें बच्चे रखते थे, ये वही कलोनी है ये। तो इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कॉकटेल जो मैं लेने वाला हूँ। एक ग्रे कलर का है और क्रीम कलर का है। तो क्रीम फ़ीमेल है मेरे पास, तो क्रीम ही मेल लेके जाऊंगा मैं, दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। बाकी एक पेयर मेरे पास है, क्रीम मेल है उसका और फीमेल ग्रे कलर में है, वो भी ऊपर है मेरे, लगा रखा है उसको भी, जल्दी उसकी ब्रीड वगैरह आ जाएगी। तो इससे भी हम ब्रीड लेंगे जो हमारे पास है, दो पेयर हो जाएंगे मेरे पास कॉकटेल के अब। तो कॉकटेल से भी हम ब्रीड लेंगे आपके सामने ही। और विपुल भाई का सेटअप भी देख सकते हो आप, बजीस वगैरह सब इनके ब्रीड पे हैं ये, और सभी अच्छे हैं, कलर भी अच्छे हैं इनके और बढ़िया एक्टिव हैं सभी, ये ब्रीडिंग पेयर हैं। अब इन्होंने अपनी कॉलोनी में भी इसमें से जो बच्चे निकले थे वो छोड़ दिए हैं, तो अब कॉलोनी भी दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, बड़ी कॉलोनी है क्योंकि पहले इनकी कॉलोनी सारी ख़त्म हो गई थी, और अब फिर से दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, कॉलोनी में छोड़ रहे हैं अपने ये बर्ड्स वगैरह। तो यही सब दिखा रहा हूँ मैं आपको, जैसी कॉलोनी है इनकी, छोटी कॉलोनी है और एक पेयर ये है। ये तो बड़ा ज़बरदस्त मुझे मेल लग रहा है, वाइट कलर में है ग्रीन फीमेल के साथ, इसका कलर बहुत अच्छा लगा मुझे। और ऐसे कलर जो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अलग कलर कम निकलते हैं ऐसे कलर जो होते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको कॉकटेल के पिंजरे की तरफ ले चलता हूँ आप लोगों को। ये कॉकटेल का पिंजरा है, बाहर रखा हुआ है इनका। तो एक तो इसमें ग्रे कलर का है, ये हैंड टैम भी है और बोलता भी है। बाकी ये एक मेल ये है नीचे क्रीम कलर में, यही वाला लेके जा रहा हूँ मैं आप लोगों को, दिखा रहा हूँ। वो ब्रीडिंग बॉक्स भी लेके जाऊँगा, ब्रीडिंग बॉक्स भी खोल लेंगे हम साथ में। यही वो कॉकटेल है, देख सकते हो आप, और कलर भी बहुत ज़बरदस्त कलर है और साइज़ भी अच्छा खासा है। और इसके जो पीछे ब्रीडिंग बॉक्स लगा हुआ है ये भी हम ले जाएंगे साथ में, क्योंकि ब्रीडिंग बॉक्स भी मेरे पास है नहीं कोई पड़ा हुआ, एक तो है मेरे पास पड़ा हुआ, एक तो लेना पड़ेगा मुझे। और बाकी दिखा दिया मैंने आपको कॉकटेल कैसा लग रहा है आप लोगों को, कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। बाकी ये हमने ट्रेवलिंग केज ले लिया है, अब इसके अंदर पकड़ता हूँ हाथ से मैं, एक हाथ से कैमरा पकड़ता हूँ और एक हाथ से मैं इसे पकड़ूँगा बर्ड्स को। एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ रखा और एक हाथ से इसको हम पकड़ेंगे कॉकटेल को, देख सकते हो कितना शांत बैठा हुआ है। और हाथ से पकड़ लिया मैंने क्योंकि थोड़ा सेमी टैम है ये, काट वगैरह रहा है, मतलब कम काट रहा है, काट तो बहुत तेज काटता है कॉकटेल। ये देख सकते हो हाथ में पकड़ के साइज पता लग रहा है कितना अच्छा खासा साइज। और अब मैं इसको रख देता हूँ इसमें पिंजरे में, फिर तो उसके बाद में मैं ब्रीडिंग बॉक्स खोल लेता हूँ, क्योंकि इसके परत है और दूसरा वाला कॉकटेल उसके ऊपर कटे हुए हैं तो उससे कोई ख़तरा नहीं है। अब मैं गेट खोल के ब्रीडिंग बॉक्स खोलूँगा, क्या फ़ायदा उड़ा जाए, इसीलिए मैं इसको बंद कर दिया अलग बाहर निकाल के, और इसी केज में ले जाएंगे हम इसे ट्रैवलिंग केज में। और आप लोगों को कैसा लग रहा है कॉकटेल ज़रूर बताना, आप लोगों का कमेंट का इंतजार रहेगा। अब चलते हैं पिंजरे की तरफ, इसका हम ये खोल लेते हैं ब्रीडिंग बॉक्स। ये पाना ले लिया मैंने, ब्रीडिंग बॉक्स मतलब अच्छे तरीके से कसावा है ये इसके अंदर। और ये कसने का इतना बड़ा फ़ायदा है, ये इधर उधर गिरेगा नहीं, बाकी कीलों से जो रोक देते हैं उसमें थोड़ा भी परेशानी होती है, गिर सकता कभी भी वो, नट बोल्ट से जो कसावा है तो थोड़ा अच्छा रहेगा ये। जल्दी जल्दी मैं खोल लेता हूँ इसको, आप लोगों का ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे हम, और खोलने में भी तो टाइम लग ही रहा है, इसको पाने से खोलना पड़ रहा है। और तबीयत भी मेरी अभी थोड़ी सही नहीं चल रही है, खांसी जुकाम वगैरह हो रहा है, तो थोड़ी वीडियो में आवाज़ भी आप लोगों को अजीब सी लग रही होगी, और थोड़ा वीडियो में आवाज़ इसलिए तुम लोगों को ख़राब लग रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है, और थोड़ा सर्दी वगैरह से मेरा सीना जकड़ा पड़ा है, तो आवाज़ ही इसलिए ख़राब निकल रही है। और मैंने खोल लिया है पूरा ब्रीडिंग बॉक्स, अब हम चलते हैं, आप लोगों को रास्ते की वीडियो थोड़ी बहुत शूट कर लेते हैं। तो विपुल भाई जा रहे हैं आगे आगे मेरे अपनी बाइक से, और इन्होंने कॉकटेल रख लिया है अपनी पीछे बैग में,
और चैन खोल दी बैग की, ऊपर ट्रैवलिंग केज रख दिया हमने इसके अंदर बैग के, और बहुत अच्छी तरीके से हवा लगती भी जा रही है इसको। सुबह सुबह का टाइम है, 9 बजे का टाइम हो रहा है इस समय, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है। सुबह 8 बजे पहुँच गया था मैं विपुल भाई के घर पर, तो इनको भी आना था रुद्रपुर, तो इसलिए मुझे जल्दी बुला लिया था उन्होंने। तो हम लोग अब साथ में जा रहे हैं, मैं अपनी गाड़ी से अलग जा रहा हूँ और ये आगे जा रहे हैं विपुल भाई अपनी गाड़ी से। तो हम चलते हैं अब अपने घर की तरफ आप लोगों को लेके, और घर पे ले आके छोड़ते हैं, क्या रिएक्शन होता है इन दोनों का देखते हैं। तो चलते हैं अपने घर लेके आप लोगों को। तो ये देख सकते हो सामने रखा हुआ है कॉकटेल, और इसके नीचे रखा हुआ है ब्रीडिंग बॉक्स। ब्रीडिंग बॉक्स भी लेके आया हूँ साथ में मैं, और कॉकटेल का मेल भी लेके आया हूँ। और फीमेल भी बहुत एक्साइटेड हो गई थी इसे देख के, तो सामने फीमेल, क्योंकि बहुत एक साल से कम से कम अकेली थी, अब जाके इनका दोनों की पेयरिंग होगी तो बच्चे निकलेंगे। कैसे बच्चे निकलेंगे वो भी हम आप लोगों को टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे, और आप लोगों के साथ में वीडियो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ, और आप लोगों के लिए यही बनाता हूँ वीडियो में इतनी अच्छी अच्छी और जगह जगह जाता हूँ। अभी थोड़ा तबीयत वगैरह सही नहीं चल रही है, तो इसलिए आना जाना हो नहीं रहा है इस समय कहीं पर, और जब हम जाएँगे तो आपके साथ ज़रूर वीडियो शेयर करता हूँ मैं। और वैसे भी तो मैं आपको साथ में शेयर करता रहता हूँ अपने घर की भी वीडियो, अपने बर्ड्स की, और जो अब ये कॉकटेल आ गए इनकी भी हम अपडेट आपको देते रहेंगे जल्दी। और आप लोगों का कमेंट का इंतजार रहेगा कि आप लोगों को मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो अच्छी लगती है या नहीं लगती हैं, और वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग उत्तराखंड बर्ड्स रुद्रपुर।